श्री गणेशाय नमः। आज हम इस वीडियो में संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे एवं एक गर्भवती माता की गणपति जी से प्रार्थना सुनेंगे। संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान गणेश जी को याद करते रहना है, क्योंकि आपके गर्भावस्था के दौरान आने वाले सभी संकटों का गणपति जी निवारण करेंगे। भगवान गणेश जी ने देवताओं के संकटों को दूर किया था, उस प्रकार ही आपके संकटों का समाधान भी गणपति जी करेंगे। तो आइए सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। संकष्टी चतुर्थी की कई कथाएं हैं, आज मैं आपको एक प्रचलित कथा के बारे में बता रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवता संकट में घिरे हुए थे, तो वे समाधान के लिए भगवान शिव के पास आए। तब उन्होंने भगवान गणेश और कार्तिकेय से संकट का समाधान करने के लिए कहा, तो दोनों भाइयों ने कहा कि वे इनका समाधान कर सकते हैं। अब शंकर जी दुविधा में पड़ गए। उन्होंने कहा कि जो भी इस पृथ्वी का चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा, वह देवताओं के संकटों के समाधान के लिए जाएगा। भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है, वे उस पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। गणेश जी की सवारी मूषक है, उसके लिए मोर की तुलना में पहले परिक्रमा कर पाना संभव नहीं था। गणेश जी बहुत ही चतुर थे, वे जानते थे कि चूहे पर सवार होकर वह पहले पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने एक उपाय सोचा। वे अपने स्थान से उठे और दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की, फिर अपने आसन पर विराजमान हो गए। उधर भगवान कार्तिकेय जब पृथ्वी की परिक्रमा करके आए, तो उन्होंने स्वयं को विजेता घोषित किया, क्योंकि गणेश जी को वे वहां पर बैठे हुए देख लिए। तब महादेव ने गणेश जी से पूछा कि वे पृथ्वी परिक्रमा क्यों नहीं किए और उनकी परिक्रमा क्यों की। इस पर गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार है, इस वजह से उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की। गणेश जी के इस उत्तर से भगवान शिव और माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को देवताओं के संकट को दूर करने के लिए भेज दिया। साथ ही साथ भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी चतुर्थी के दिन गणेश पूजन करेगा और चंद्रमा को जल अर्पित करेगा, उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे, उसके संकटों का समाधान होगा और पापों का नाश होगा, उसके जीवन में सुख एवं समृद्धि आएगी। तो चलिए अब हम अंतःकरण से प्रभु से प्रार्थना करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर अपने मन को अति शांत बनाकर विघ्नहर्ता से प्रार्थना करें। जय श्री गणेश। हे गणपति विघ्नहर्ता, पार्वती के पुत्र, आप मेरे शिशु की सदैव रक्षा करना, मेरे गर्भावस्था के दौरान आने वाले सभी संकटों का निवारण करना। हे लड्डू गोपाल, मेरा शिशु आपके जैसे गुणों से युक्त हो, उसमें वह सारे गुण आए जो आप में है। हे विघ्नहर्ता, आपका आशीर्वाद मेरे शिशु पर सदैव बनाए रखना। हे प्राणनाथ, हे गणेशा, आपके जैसे ही मेरा शिशु माता पिता का सम्मान करने वाला हो, अपने माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार देखने वाला हो। बस प्रभु मेरी आपसे यह विनंती है, जिसे स्वीकार ना प्रभु स्वीकार ना। जय श्री गणेश।